उच्चतम न्यायालय ने 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में द्रमुक नेता कन्नमोई करुणानिधि के तमिलनाडु की थूथुकुड़ी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती देते हुए डाली गई याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय में सुनवाई पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोम्बडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने द्रमुक नेता के वकील की तरफ से पेश किए गए तथ्यों पर विचार किया और मद्रास उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी। कन्नमोई ने 2019 में थूथुकुड़ी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उनके निर्वाचन को एक मतदाता ए सनातन कुमार ने चुनौती दी थी। मतदाता ने कहा था कि कन्नमोई ने पारिवारिक संपत्ति का खुलासा करते हुए अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर का जिक्र नहीं किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले कन्नमोई की अपील खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने एक मतदाता और एक भाजपा नेता की उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर रोक लगाने की मांग की थी।